नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? खैर, आप बढ़िया होंगे। तो आज जानकारी दूंगा आधार कार्ड के बारे में कुछ, कि आधार कार्ड में आप ऑनलाइन अपना नेम है जो कि चेंज किस प्रकार कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो चलिए हमारे इस वीडियो में समझते हैं कि आधार कार्ड में आप ऑनलाइन मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा नेम चेंज कैसे कर सकते हैं। हम आ चुके हैं आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो अपडेट सेल्फ का ऑप्शन है वहाँ पर हम नॉर्मली क्लिक करेंगे अपडेट सेल्फ अपडेट पोर्टल पर। और जैसे ही यहाँ पे हम पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ जानकारी फिल करने के लिए पूछेगा। हम ये नॉर्मली अपने आधार कार्ड और कैप्चा यहाँ पर फिल करके ओटीपी के लिए प्रोसीड करते हैं। कैप्चा आया हुआ है, आप इस कैप्चा को रिप्रेस कर सकते हैं वापस। नॉर्मली हम कैप्चा लिखते हैं और यहाँ गेट ओटीपी, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही सेंड ओटीपी आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उसके द्वारा आपको लॉगिन होना है। तो हमने नॉबे रन कर दिए। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है एड्रेस के लिए भी पूछ रहा है और भी जानकारी के लिए पूछ रहा है। तो हमें नॉर्मल करना है नेम को अपडेट, तो हम नेम पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ सभी ये आप एक एक कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ से हम यस एंड एग्री कर देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर हमारा जो पुराना नाम है वो नया नाम हम यहाँ पर एफरीन खान टाइप करते हैं। ये हमारा कोई क्लाइंट है उसका है। जैसे ही हो गया, हम यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पर ये नाम लिखा हुआ है, राइट नेम लिखा है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ आपको अपलोड करना है। ध्यान रखें इस पर यही नाम लिखा है जो आप नया चेंज कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ से एक डॉक्यूमेंट पिक कर लेते हैं और उसके आधार पर ये जानकारी फिल कर देते हैं और यहाँ से हमें उसे अपलोड करना है। तो नॉर्मली पैन कार्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगा, या फिर और कौन कौन से ऑप्शन हैं, काफ़ी ऑप्शन हैं आपको मिल रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो आप नाम चेंज कर रहे हैं उसके आधार पर, ध्यान रखें, ठीक है। काफ़ी डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब है। तो नॉर्मली मैंने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से अपलोड पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि फाइल को अटैच कर लेंगे। और वहाँ से उसके बाद हम इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं, नीचे का ऑप्शन आया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पूछेगा और हमारी जो फाइल है वो हम अपलोड कर दें। और प्रीव्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी जानकारी होगी वो बता रही है इस पर, ठीक है। हमने यहाँ थोड़ा ब्लर किया है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे और एक ओटीपी और आएगी। जैसे ही ये ओटीपी आ गई है और हम इसे प्रोसीड कर गए और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट आ गया, यहाँ पर आपको 50 रुपये पे करना होता है। आप 50 रुपये को पे कर दीजिए। आपके पास नेट बैंकिंग और कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों का ऑप्शन है। तो नॉर्मली आप किससे चाहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। नॉर्मली हम कार्ड से पे कर देते हैं और यहाँ से पे होने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसीड में चला जाएगा। फिर अब आधार की जो टीम होती है वो इसे रिव्यू करेगी। तो नॉर्मली हमने कर दिया है ये 50 रुपये का पेमेंट और ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और अब हम इसकी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लेंगे और इसके हमें ट्रैकिंग आईडी भी मिलेगी, उससे हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारे यूआरएन नंबर आए हैं, उसे हम ट्रैक भी कर सकते हैं। नॉर्मल डाउनलोड कर लेते हैं और देख भी लेते हैं फिर भी कैसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा आ गई है रसीद, इसको हम नॉर्मली सेव कर लेंगे पीडीएफ बना के, आगे हमें और फ्यूचर काम आए। तो ये हमारा काम था वो कि हो चुका है कंप्लीट, और अभी कुछ टाइम लेगा। और जैसे ही, और यहाँ से नीचे आकर आप स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आप आधार नंबर ओटीपी से भी कर सकते हैं, यूआरएन नंबर से भी कर सकते हैं, स्टेटस आप आसानी से देख सकते हैं। और ये स्टेटस में आपको यदि जब वेरीफाई होगा तो आप यहाँ से ई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो दूसरा कार्ड है वो आप पीवीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। कहीं पे आपको शॉप पे, ई मित्रा पे जाने की आवश्यकता नहीं है या सीएससी पे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अभी प्रोसीड में हमारा है, दिखा रहा है योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड, ठीक है। और जो नंबर आ गए हैं वो आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं यूआरएन नंबर, हम इन नंबर से ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा जो काम था नेम को चेंज करना था व्हाट्सएप में, सॉरी आधार कार्ड में, व्हाट्सएप नहीं, आधार कार्ड में चेंज करना था, वो हो चुका है। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि आप चैनल पीआर भाटी को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर जरूर करें। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर दे रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि फेसबुक पेज को लाइक करें।
धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नए एंड नेक्स्ट वीडियो में।